वेलकम बैक टू माई न्यू अनदर वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ई श्रम कार्ड की पेमेंट के बारे में। अगर दोस्तों आपका भी ई श्रम कार्ड बना हुआ है और आप उसकी पेमेंट का जो स्टेटस है चेक करना चाहते हैं कि आपका जो ई श्रम कार्ड का पैसा है आया है या फिर नहीं आया है, तो आज की इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से मिलने वाली है, आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आप भी अपना ई श्रम कार्ड का पेमेंट का स्टेटस देखना चाहते हैं मोबाइल नंबर के द्वारा, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको आना है एक अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र में, और गूगल क्रोम ब्राउज़र में आपको टाइप करना है upssb.in। जैसे आप upssb.in टाइप करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से यहाँ पर जो इंटरफेस है ओपन होकर आ जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पर फर्स्ट वाली वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दी गई है सोशल सिक्योरिटी बोर्ड, जस्ट आपको इस पर ही क्लिक कर देना है। तो चलिए दोस्तों हम इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होकर आता है। उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड, आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिलते होंगे, जैसे कि पंजीकरण आवेदन, कामगार नवीनीकरण आवेदन और योजना आवेदन। आपको जस्ट यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर थ्री डॉट का एक ऑप्शन मिलता है जो कि दोस्तों आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है, जस्ट आपको इस पर ही क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। आपको सबसे नीचे एक ऑप्शन मिलता है दोस्तों यहाँ पर ई श्रम कार्ड का, जस्ट आपको इस ऑप्शन पर ही क्लिक कर देना है। तो चलिए दोस्तों हम इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं ई श्रम कार्ड वाले ऑप्शन पर, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ओपन हो जाता है भरण पोषण भत्ता। दोस्तों आप यहां से चेक कर सकते हैं, ये उत्तर प्रदेश सरकार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां से दोस्तों अपना जो पेमेंट है वो इसका स्टेटस है मोबाइल नंबर के द्वारा चेक कर सकते हैं। यहां पर आपको मिलता है भरण पोषण भत्ता। उसके बाद दोस्तों आप नीचे यहां पर आएंगे तो आपको मिलता है मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन, और दूसरा मिलता है आपको सर्च वाले बटन पर क्लिक करके आपको डेटा चेक करने का ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर एक मोबाइल नंबर को फिल कर लेते हैं। दोस्तों आपको भी एक यहाँ पर अपना जो मोबाइल नंबर है वो फिल कर लेना है। दोस्तों हमने भी यहाँ पर अपना एक मोबाइल नंबर इस तरीके से यहाँ पर फिल कर लिया है। दोस्तों हमको यहाँ पर क्या करना है, सर्च वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर को फिल कर लिए हैं और हम सर्च वाले बटन पर क्लिक करके आगे का जो प्रोसेस है आपको स्क्रीन पर दिखाने वाले हैं। दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर सर्च वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको मिलता है आपका सीरियल नंबर, उसके बाद आपको मिलता है आपका नाम, एंड उसके बाद आपको मिलता है आपका पिता का नाम, एंड उसके बाद मिलता है आपको अपना पूरा एड्रेस जो कि दोस्तों आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। साथ ही साथ दोस्तों आपको मिलता है आपका जिला, जिस जिला से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपको आपका जो पेमेंट का 1000 रुपया है वो आपको यहाँ पर दिखाई देता है, एंड उसके बाद दोस्तों आपका मिलता है यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर, एंड उसके बाद दोस्तों आपको मिलता है आपका पेमेंट का स्टेटस सक्सेस हुआ है या फिर फेल्ड हुआ है। तो इनका जो पेमेंट का स्टेटस है वो दोस्तों इनके अकाउंट में सक्सेस सफलतापूर्वक इनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया है। इसी प्रकार दोस्तों आप भी अपना पेमेंट चेक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आप चाहते हैं किसी दूसरा मोबाइल नंबर डालकर चेक करने के लिए, तो दोस्तों आपको दोबारा से दूसरा मोबाइल नंबर डालना है और उसके बाद सर्च वाले बटन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों आपका दूसरा मोबाइल नंबर के हिसाब से ही आपका जो भी पेमेंट आया होगा वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो मैं यहाँ पर दोस्तों एक दूसरा मोबाइल नंबर डालता हूँ, उसके बाद आपको यहाँ पर पेमेंट का स्टेटस है वो आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ लाइव प्रूफ। दोस्तों मैंने यहाँ पर अपना जो दूसरा मोबाइल नंबर है यहाँ पर फिल कर दिया है। दोस्तों दूसरे मोबाइल नंबर के हिसाब से दोस्तों जो मेरा पेमेंट है वो भी यहाँ पर शो कर रहा है। सबसे पहले दोस्तों मैंने यहाँ पर दूसरा मोबाइल नंबर डाला, सर्च वाले बटन पर क्लिक किया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो नाम है वो दोस्तों यहाँ पर एक लेडीज़ है, उनका नाम यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद उनके पति का नाम जो भी दोस्तों वो यहाँ पर आ चुका है, उनका पूरा एड्रेस यहाँ पर आ चुका है। साथ ही साथ दोस्तों उनका जो जिला है वो यहाँ पर आ चुका है, और उनका जो पेमेंट है 1000 रुपये का इनके अकाउंट में सक्सेस कर दिया गया है, ये भी दोस्तों यहाँ पर इनका दिखाई दे रहा है। उसके बाद का मोबाइल नंबर और साथ साथ दोस्तों इनकी जो पेमेंट है वो सक्सेस यानी सफलतापूर्वक इनके अकाउंट में दोस्तों क्रेडिट कर दी गई है, आप भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसी प्रकार दोस्तों आप वन बाई वन किसी भी व्यक्ति का अपने गांव में, अपने परिवार में, या फिर दोस्तों किसी भी फ्रेंड का आप यहाँ से अपना जो पेमेंट का स्टेटस है आसानी से यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद सर्च वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर डाटा लिख कर आ जाएगा। अगर दोस्तों आपका डाटा यहाँ पर नो रिकॉर्ड फॉर्म इस तरीके से लिख कर आता है, नो रिकॉर्ड फॉर्म, अगर दोस्तों आपका डेटा कोई इस प्रकार से लिख कर आता है नो रिकॉर्ड फॉर्म, तो दोस्तों आपका जो पेमेंट है आपके अकाउंट में नहीं आया है। अगर आपकी डिटेल कुछ इस प्रकार से यहाँ पर वन बाय वन यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप दी गई है, तो दोस्तों आपका जो पेमेंट है इसका स्टेटस यहाँ पर आ जाता है। अगर नहीं आया होगा पेमेंट तो आपको यहाँ पर नो रिकॉर्ड का ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे कि आप किस प्रकार से अपनी जो ई श्रम कार्ड की पेमेंट है उसका स्टेटस जो है आप किस प्रकार से चेक कर सकते हैं, और साथ ही साथ दोस्तों जो पेमेंट आपका सक्सेस हुआ है या फिर नहीं हुआ है ये भी आप इस वीडियो में जान सकें।
दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, और दोस्तों अगर आप इसी प्रकार की नई से नई वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाले नए नए नोटिफिकेशन और नई से नई जानकारी आपको तुरंत मिलती रहे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लिए सो धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक लिए सो थैंक यू सो मच।